और तकरीबन सारा झूठ है, क्योंकि वह बुजदिल आदमी था, वो बुजदिल आदमी था। उसने करेंगे अगर आप नवाज शरीफ या जरदारी या इन लोगों को वोट देंगे, आप अमानत में खयानत करेंगे। आप लोग अपने बच्चे साथ लेकर? जी, ये मेरा बेटा, ही इज 5 ईयर्स ओल्ड, दिस इज माई सन, ही इज 2 ईयर्स ओल्ड, और अल्लाह करे इंशाल्लाह अल्लाह ताला हक। अच्छा जी, एयर कोमोडोर सैयद सजाद हैदर साहब, सितारा जुरत, 65 के हीरो, 71 के हीरो, आज खुद वोट डालने उसी पोजीशन में। सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह वोट डालने आए हैं, लेकिन आज आपके हुलिये से महसूस हो रहा है कि 1971 की याद ताज़ा कर दी आपने। देखें, आज हक और बातिल के दरमियान है जी। अगर पाकिस्तानी कौम ने आज फैसला बातिल के लिए किया जी, जो ये 2.5 साल से हो रहा है, तो वो हमेशा के लिए डोनाल्ड लू के गुलामी करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अमेरिका में रह चुका हूँ, ये मामूली बंदा, ये आपके कौम को इस वक्त जो कुछ भी हुआ है, जो जुल्म हो रहा है, जो दहशत हो रहा है, ये वहाँ से आता है, और यहाँ उनके जो वो हैं क्लोन वो कर रहे हैं, ये कौम के ऊपर है, ये लेकिन कौम ने फैसला कर दिया है। अब इस इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं, ये इलेक्शन तो नहीं है, क्योंकि जब फैज ईसा जैसे बंदे ने बल्ला ले लिया जी, तो उससे ज्यादा गलीज हरकत कोई नहीं कर सकता। अच्छा, मैं उसको जानता हूँ। साहब एक बात बता दें प्लीज, ये जो शेरदिल स्क्वाडन है, ये आपने लीड किया हुआ है, तो थोड़ा सा ये आपने जो पहना हुआ उसके बारे में भी हमें आगाह कर दें प्लीज। देखिए, ये नंबर 19 स्क्वाडन है जी, शेरदिल, शेरदिल स्क्वाडन है, ये अब भी है इस वक्त 16। इस स्क्वाडन ने 6 तारीख 1965 में, जब मेरे स्क्वाडन को ऑर्डर मिला कि हम सियालकोट, वहाँ पर हिंदुस्तान की फ़ौज की जो आर्टिलरी थी, वो हमारे लोगों को हमारी फ़ौज को के ऊपर बड़ा सख्त हमला हो रहा था, तो हमें भेजा गया। लेकिन हम जब क्रॉस पहुँचे वहाँ गुजरात के, तो उन्होंने हमें कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौज लाहौर में दाखिल हो रही है जी। हिंदुस्तान के जो जर्नैल और जो उनके बहुत बड़े बड़े लिखने वाले, तो उनमें पुष्पिंदर सिंह चोपड़ा, रवि राखे वगैरह, उन्होंने ये लिखा है अपनी किताबों में, 10 किताबें में। उन्होंने आपको निडर का खिताब दिया हुआ सर? हाँ, निडर कहते हैं मुझे, चल हिंदुस्तानी कहता है जी। तो उन्होंने बहुत चीज़ें लिखी हैं। बहरहाल मैं अकेला नहीं था, मेरी टीम थी। और इसके नीचे सर कौन सा स्क्वाडन है जिसकी कैप आपने पहनी हुई? इसके इस शेरदिल के नीचे भी आपने एक कैप पहनी हुई? शेरदिल के नीचे, हाँ, ऑलराइट, हियर यू गो। ओह, वी स्टैंड विद इमरान खान। एब्सोल्युटली जो कहता है कि हम जो, मैं तो पैदा हुआ गुलामी के वक्त में, मैं तो 1932 से मैं देख रहा हूँ। आपको ये समझना चाहिए कि ये गुलामी जो है, ये हमारे खून में रसी हुई है, और इससे जब निकलेंगे तो तब हमारी रोशन तक हमें रोशनी तब नजर आएगी जब हम कुरान और सुन्नत, अल्लाह रसूल की अतात वाली कौम। इस वक्त हम सिर्फ सबजमीन है जो अल्लाह ताला ने दी है, हम कौम नहीं है, हम कौम नहीं है बिल्कुल। आपकी पर्ची भी मेरे ख्याल में आ गई है सजाद साहब, कभी नहीं दिखाई। आज इनका मौका है, अगर तुमने गुलामी से निकलना है, वरना ये खाली इनकी गुलामी नहीं, ये जो कुकड़ वगैरह काकड़ वगैरह या नवाज शरीफ और ये जरदारी, इन लोगों को अगर लोग नहीं पहचानते, इन लोगों को अगर नहीं समझते लोग के, इन्होंने इस मुल्क के साथ कितना जुल्म किया है। 92 साल जिंदगी में सर, ये कितना बड़ा दिन है आपके लिए आज? 92 साल जिंदगी में आपने आपने दुनिया देखी है, आपने जंगे देखी हैं, आपने बहुत कुछ देखा है, आज कितना बड़ा दिन है आपकी जिंदगी का? ये एक मुसलमान कौम 25 करोड़ लोगों के लिए एक अल्लाह ने दिन दिया है कि या आप गैरत दिखाएं, आप मुसलमान बने, और आप वोट उस शख्स को दें कि अमानत है वोट, जैसे कि सूरह फील में अल्लाह ने कहा, भेजा था ना बराहा के खिलाफ, तो ये आप समझें कि इस वक्त ये कौम जो है, ये बराहा इसको कब्जे में रखी हुई है, और उन्होंने जब वो अबाबील आई थी उनकी चोंचों में पत्थर थे, और ये वोट एक कंकर है, तो ये वोट वो कंकर है। आज वो कंकर पे के इनका भूसा कर सकते हैं आप, अगर नहीं कहे तो आप फिर अगले 50, 60 साल, 70 साल आपकी औलादे आपको आपको बहुत बुरी तरह याद रखेंगे। अच्छा, आपका आपका वोट डाल लेते हैं।
फिर बात करते हैं। तो जहन्नम है, अगर वो यकीन करते हैं कि जन्नत तो जहन्नम आती है, करें जी। ओके सज्जाद साहब आपके साथ। सर वोट हमारे से ना क्यामत में पूछा जाएगा कि ये एक आपसे आपके एक मॉरल रिस्पांसिबिलिटी थी, एक सोशल रिस्पांसिबिलिटी थी, तो क्यामत के दिन इसका भी हमसे सवाल होगा। अगर क्यामत पे यकीन नहीं ना और मॉरल रिस्पांसिबिलिटी थी तो क्या रोल प्ले किया था, तो वी शुड वोट एंड वी शुड बी एबल टू टेल अल्लाह कि इसलिए हमने वोट किया था कि हमने एक जुल्म के निज़ाम के खिलाफ अपना रोल प्ले किया और जो हमें हक पे जो है हमने उसके साथ दिया। बेटा ये वोट जो अमानत है अल्लाह की, ऐसे जैसे आपके वालिद की अमानत आप हैं कि उन्होंने आपको अच्छी तरबियत देनी है, तो वोट एक अमानत है और उस अमानत में खयानत आप तब करेंगे अगर आप नवाज शरीफ या जरदारी या इन लोगों को वोट देंगे, आप अमानत में खयानत करेंगे। आप लोग अपने बच्चे साथ लेकर? जी ये मेरा बेटा, ही इज 5 years old, दिस इज माई सन, ही इज 2 years old, और अल्लाह करे इंशाल्लाह अल्लाह ताला हक के साथ है। अल्लाह सज्जाद साहब, ये पहली दफा है कि बच्चे माशाल्लाह देखे ना, ये इन बच्चों ने 80-80 साल जीना है, ये देख कर जा रहे हैं सारा माहौल, सारे वालात तो वाकया, क्योंकि इनके अंदर शऊर आया है जो सारी जिंदगी 75 साल इनको आने नहीं दिया। अय्यूब खान ने अपनी किताब में पता क्या लिखा है, 600 सफ़े की किताब है और तकरीबन सारा झूठ है, क्योंकि वो बुजदिल आदमी था, वो बुजदिल आदमी था। उसने लिखा है कि इन लोगों को, इन गरीबों को तालीम ज़्यादा मत देना, ये उसने उसकी किताब में ये गौहर अय्यूब ने छपाई है, इनको मत तालीम देना क्योंकि अगर तालीम मिली तो ये आपके गर्दन पे हाथ लगाएंगे। ये यानी ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इजाज़ है कि तुम चीन तक जाओ लेकिन अल्लाह का। सज्जाद साहब, सर ये इन्हें दलील क्या देंगे आप इन बच्चों को समझाने के लिए? आपने फिल्में जारी कर दी, आपने अदालतें अपने नीचे लगा ली, आपने जुबानें खींच दी, इस बच्चों के ये दलील क्या देंगे 10 सालों बाद आपने क्या किया था? ये आप याद रखें कि यहाँ पर ना इंसाफ है और ना जैसे एक खातून है जस्टिस इस मुल्क के अंदर, सिर्फ एक खातून जो कि आहनी है, जो उसके फौलाद की तरह है, लेकिन आप कभी उसको किसी बेंच पे नहीं देखेंगे बैठाए हुआ। जस्टिस आयशा की बात कर रहे हैं, इसको ईसा और ये मतलब क्या नाम है अफरीदी और मिनाल्ला, ये मेरे हाथों बड़े, मैंने इनको कईयों को तो मैंने अपनी गोदी में उठाया हुआ है, तो मुझे अफसोस, मुझे इनसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि एक बिल्ले का निशानी, तुमको इतना खौफ है लेकिन तुम्हें अगर खौफ है इसका मतलब है तुम सियासतदान हो, तुमने हुदाबिया में जो किया है। काजी साहब के साथ मसला क्या था सर? है? काजी फैजी साहब के साथ उसका मसला ये है कि जो हुदाबिया में उसने जो किया तो उसने अपने आप को बिल्कुल जाहिर कर दिया। आप बता रहे थे इनके वालिद के ऊपर भी कुछ? इनके वालिद जो थे उसको मेरे वालिद सैयद फजल शाह ने, जो आपने किताबें में भी देखा है, जंग एग्जाम में भी आया, मैगजीन में भी आया, कि मेरे वालिद सैयद फजल शाह ने इनको प्रेसिडेंट बनाया था। जब काज आजम ने रहमतुल्लाह ने मेरे वालिद से पूछा, ये सारी किताब हिस्ट्री में है, आपको दिखाई है मैंने, द ग्रेट लीडर में, तो उन्होंने काज आजम ने कहा कि आपने सिंध बलूचिस्तान में बुनियाद रखी मुस्लिम लीग की, तो आप खुद क्यों नहीं बने प्रेसिडेंट? तो मेरे वालिद ने उनको बताया, जो हमें नहीं मालूम था, हमने अभी 2022 में किताब आई है और 2016 में जज ने यह प्रवेश किया था। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में मुल्की नॉन मुल्की यानी उर्दू स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग वगैरह के खिलाफ जो लोकल है, जो पश्तून बरोही का, तो वो कहते हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता तो वो शायद उसमें मुस्लिम लीग में शमूलियत में कुछ होता, बात सुने, लेकिन मैंने समझा कि लोकल अगर कोई हो, ये वकील साहब पढ़ के आया था, जो बुनियाद थी वो तो 1938 में रखी थी मेरे वालिद ने और ये आया था वापस 1939 में, तो इसको फिर बनाया मेरे वालिद ने मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट, लेकिन बाद में काफ़ी खफ्ती हुई क्योंकि जब उनको पता लगा कि इनकी रेपुटेशन एज अ लॉयर ठीक नहीं है, तो वो लंबी कहानी है, वो आप मुझसे किसी और करें, मैं आपको सही बात बताऊंगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं। काजी ईसा को मैं 100 दफा मिला हूँ, हम उनके घर जाते थे अपने स्टूडेंट फेडरेशन के। जी जी, ये सवाल कोई करना चाह रहे हैं? वन पिक्चर जो अनफॉर्चुनेट बात है, एक बात जी, अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि अब आके ये चीज हो गई है,
हाँ जी, क्या हुआ? हमारे ना वहाँ पे रश बहुत था, जहाँ पे ये बना के दे रहे थे हम लोग, हम लोगों ने ये पर्ची तो उनसे बनवाई है, लेकिन वोट हमारा खान का।